एक कार्यक्रम के तहत गांधी युवा मंच के द्वारा विभिन्न 5 कार्यकारिणी मुद्दों को लेकर विक्रमशिला खुदाई स्थल कहलगांव में 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसमें विभिन्न 5 ऐतिहासिक मुद्दों का बहस हुई। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण शीघ्र कराकर पठन पाठन सुलभ कराया जाए, किसानों का कर्ज माफ हो, किसानों को उन्नत तकनीकी व उन्नत संसाधन मुहैया कराया जाए, NH-80 का गुणवत्तापूर्ण निर्माण शीघ्र हो, देहरा क्षेत्र में गंगा से हो रही तेज कटाव व तत्काल संज्ञान लेते हुए कटाव विरोधी कार्य शीघ्र शुरू कर कटाव पर रोक लगाया जाए, मुख्यमंत्री द्वारा घोषित सखोन को स्वतंत्र प्रखंड बनाकर बहुमुखी विकास सुनिश्चित करें। उपरोक्त मुद्दों पर मीडिया बंधुओं द्वारा किए गए सवालों का जवाब गांधी युवा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज यादव अधिवक्ता ने बखूबी दिया तथा प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से अपनी व जनता की बातों को सरकार तक पहुंचाने तथा जनता को उपरोक्त मुद्दों पर जागरूक करने का सफल प्रयास किया गया। तुमने किस विषय पर प्रेस वार्ता किया? आज यहाँ विक्रमशिला खुदाई स्थल में प्रेस वार्ता इसलिए बुलाई गई ताकि सरकार जो अपनी कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं उनको जगाया जाए, अतिशीघ्र विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य शुरू हो, क्योंकि नालंदा इससे ही उठ के गया तक्षशिला से, और वो नालंदा आज चालू है लेकिन विक्रमशिला सिर्फ आश्वासन पर चल रही है। आज तक इनका ना ही जमीन मुहैया नापी कराई गई और ना ही किसी को शिलान्यास करके ना ही किसी को जमीन पर उपरोक्त पैसा मिला। आज सरकार की स्थिति काफ़ी दयनीय है। मैं प्रदेश प्रवक्ता होने के नाते पूरे बिहार का सोचता हूँ। आज रोड पर जो स्थिति चल रही है, जाम चल रही है रोड, आज जो NH-80 है उसका जो है जर्जर हालत हो चुका है, बेरोजगारी बढ़ते जा रही है, बेरोजगारी पर भी कोई असर नहीं है, सरकार कुछ देख नहीं रहे। तीसरा, ये जो बाढ़ कटाव चल रहा है रानी दीरा टपुआ इत्यादि में, तो सरकार कहाँ सोई हुई, 1970 से लगातार कटाव चल रही है और इस कटाव को रोकने के लिए हम लोग सरकार की नींद को खोलने के लिए आए हुए हैं। और प्रेस वार्ता में या विक्रमशिला इसलिए हम बोल रहे हैं कि बनना चाहिए, क्योंकि आज अगर यहाँ कोई पूजा पाठ भी करता है तो संकल्प में विक्रम साके बोला जाता है, क्योंकि राजा विक्रमादित्य का विश्व में नाम था। और ये आज जहाँ हम खड़े हैं ये गौतम बुद्ध का स्मारक है, इसको अंग्रेजों ने तुड़वाया था क्योंकि उनको यह मालूम था कि यहाँ पर अंग्रेज और मुगल ने सोचा कि गौतम बुद्ध की सारी शक्ति इसी में है, इसलिए उन्होंने इस खंडर को तुड़वा दिया। और हम चाहते हैं कि जब हमारा बिहार 36% अकेला IS IPS पैदा करता है तो हम चाहते हैं कि विक्रमशिला से शिलान्यास हो और यहाँ भी हमारा विश्वविद्यालय बने और यहाँ से भी देश और विदेश से आदमी आए, शिक्षा ग्रहण करें। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम कुमार ज्ञानदेव, मैं भूतपूर्व सैनिक और गांधी युवा मंच का प्रदेश प्रवक्ता हूँ।